बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की काफी लंबे समय से कोई मूवी नहीं आई है, लेकिन शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म पठान बहुत ही जल्दी बड़े पर्दे पर आने वाली है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि शाहरुख खान की हर फिल्म का म्यूजिक काफी लंबे समय तक चलता है और उनकी फिल्म का म्यूजिक सालों सालों तक याद रहता है। पवनदीप और पठान मूवी के म्यूजिक को लेकर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो जल्दी से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें। दोस्तों, शाहरुख खान इकलौते ऐसे एक्टर हैं जो कई सालों से नंबर वन पर बने हुए हैं और कहीं न कहीं उनकी सफलता के पीछे उनकी फिल्म का म्यूजिक भी है। बहुत सारे सिंगर्स ऐसे हैं जिन्हें शाहरुख खान की फिल्म में गाने का मौका मिला और आज उनका नाम टॉप सिंगर्स में गिना जाता है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि पठान मूवी के मेकर्स म्यूजिक पर काफी ध्यान दे रहे हैं और बात करें पवनदीप की तो अगर उन्हें शाहरुख खान की मूवी पठान में गाने का मौका मिले तो ये पवनदीप के करियर का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। दोस्तों, आप क्या चाहते हैं कि पवनदीप को पठान मूवी में गाने का मौका मिलना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमने कम्युनिटी टैब में भी पोस्ट डाला है जहाँ पर आप अपनी राय जरूर दें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।